हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर टक्स ब्लाउज में प्लेट डालने का गजब का तरीका। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये हमारे पास ये फोर टक्स का ब्लाउज है और इसमें हम इस तरीके से ऐसे पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद इसको हम इस तरीके से ऐसे बराबर ये हमारा दोनों तरफ निशान लग गया। देखो, सबसे पहले हम यहाँ से 1.25 इंच यानी 1 इंच पे 2 सूत कम यहाँ मार्जिन रखेंगे और सीधा यहाँ तक सिलाई करेंगे। यहाँ से इस प्रकार अब हमें दूसरे पल्ले पे लगाना है उसी सेम। अब हमें ये वाले साइड प्लेट को आधे इंच से भी आधा रखेंगे यानी 2 सूत का इसको बनाएंगे। यहाँ से 2 सूत पे ऐसे चलाना है। इसी प्रकार से ये सभी को 2-2 सूत पे रख करके चला लेते हैं। देख सकते हो कितना अच्छे से प्लेट हमारा आ रहा है। ये हमने दोनों में चारों प्लेट लगा लिया और ये देख सकते हो कितना अच्छे से इसका पब जो है बन करके तैयार हो गया। अब इसमें लगाते हैं इसका बेल्ट। इस प्रकार से ऐसे ऊपर में रखना है जो कपड़े हिस्सा है और जो ये वाला बीच वाला पॉइंट है उसको ऐसे अपने तक ये वाले जोड़ को इस प्रकार से ऐसे रखना है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे रख कर चलाएंगे। अब ये वाले जोड़ को इधर पीछे की तरफ ही रखेंगे अपने तरफ। उसके बाद इसको इस तरीके से ऐसे होल्ड करेंगे और ये दोनों को ला करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सेम इसको भी उसी तरीके से ऐसे करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे ला करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ से ऐसे बाहर कर देना है। इसके बाद इसमें लगाएंगे हम हुक पट्टी और आई पट्टी।
कि ये हमने हुक पट्टी लिए हैं और ये पट्टी है आई पट्टी। हुक पट्टी डेढ़ इंच चौड़ा है और आई पट्टी 2.25 इंच। तो इसको हम ऐसे कपड़े में रखेंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ऐसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ इस वाले पल्ले में लगाएंगे हम हुक पट्टी। तो हुक पट्टी को हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और यहाँ सीधा सिलाई लगाएंगे एक अड्डे पर। तो इसको यहाँ से ऐसे पलटी करेंगे, उसके बाद ऊपर में किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, ये बीच वाले किनारे में। इसको हल्का पतला कर लेते हैं। इसको ऐसे आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के कटिंग कर लेना है। यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे, उसके बाद में ये किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इसके दूसरे किनारे पर ऐसे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये आई पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये दोनों को ऐसे बराबर कर देंगे, उसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।